अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग डेली लाइफ विद मिसेस खान। तो मैं जस्ट अभी उठी हूँ क्योंकि आज वो स्पेशल डे है और मेरी बहन आ रही है, मेरी दोस्त आ रही है आयशा, जिससे मैं आप लोगों को मिलाऊंगी। तो आयशा और मैं बहुत क्लोज है, हम दोनों ने स्कूलिंग भी एक साथ की है और मेरी शादी भी कराची में हो गई और आयशा भी कराची शिफ्ट हो गई, तो हम लोग बहुत क्लोज हैं। ज़्यादा नहीं, हम लोग महीने में एक दो दफ़ा ज़रूर मिल लेते हैं। और आयशा एक वो इंसान है जिसने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा, कभी नहीं। जब मेरा साथ सबने छोड़ दिया तब आयशा मेरे साथ खड़ी हुई थी, और इवन हॉस्पिटल में, लाइक हर जगह आयशा सबसे पहले सबसे आगे थी। बहन तो मैंने एक और बनाई थी, लेकिन अब मुझे रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों उसको बहन बनाया, क्योंकि वो सिर्फ मतलब की थी। जब उसका मतलब निकला उसने भी मुझे छोड़ दिया, अनएक्सपेक्टेड छोड़ा उसका, और मेरा तो कोई मसला भी नहीं हुआ था। तो अनएक्सपेक्टेड वही बात है ना, जब आप पे बुरा टाइम आता है लोग आपसे दूर हो जाते हैं, और तभी आपको पता लगता है कि आपका अपना कौन है और पराया कौन है। मैंने उसके बच्चे को इंतहा का प्यार किया, इंतहा का। जितना मैं हैदर से प्यार कर रही हूँ, मैं सोचती हूँ मैंने उससे कहीं ज़्यादा प्यार उसके बच्चों को दिया हुआ है। और जब मैं अपने हैदर को अब देखती हूँ, मैं कहती हूँ वाह, मेरे हैदर के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मेरे हस्बैंड, हैदर के दादा, हैदर की पप्पू सारा, हैदर की खाला आयशा काफ़ी हैं। तो खैर, मैं अभी उठ के आयशा का इंतज़ार कर रही हूँ। मेरी नींद नहीं सही पूरी हुई है हैदर की वजह से, और मुझे काफ़ी दिनों से फ्लू चल रहा है क्योंकि कराची में शायद वायरल फैला हुआ है। तो बस इसी तरह मेरी तबीयत चल रही है। तो बस अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जैसे ही आयशा आएगी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। आप लोगों को मैं हैदर से मिलवाती हूँ। हैदर उठते ही अपने दादा के पास चला जाता है, तो मुझे थोड़ा सा सुकून हो जाता है। और ये दे दूँ और उसके दादा को दे दूँ, दे दूँ बेबी, दे दूँ, लुक हियर, दे दूँ। पापा उसको बाहर ही देखना है। दे दूँ, दे दूँ शेर, अस्सलाम वालेकुम, लुक अप, दे दूँ लुक अप। दैदू मूड में नहीं है, दैदू अभी अभी उठा है, सही वाला अभी अभी उठा है, नहीं तो नींद में तो 10 दफ़ा दैदू उठता है ना, पता नहीं कौन सी बेचैनी है भाई। बच्चे इतना सोते हैं, इतना सोते हैं, मेरे वाले कोई पता नहीं क्या है, सोता ही नहीं है, सोता ही नहीं है। मतलब हार्डली एक घंटा पता नहीं किस तरह सो लेता, कभी कभी तो 5 मिनट सोता है। और मैंने लोगों से इतना पूछा कि आपके बच्चे सोते हैं, और सब मुझे बोलते हैं हाँ सुबह तक सोते रहते हैं, 5-5 घंटे सोते रहते हैं। मेरा क्यों नहीं सोता मुझे नहीं पता। रात दैदू सब जब तक उठता नहीं सही से, तब तक हिल 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 मचाई होती है। कभी बाजू हिलता है, कभी टांग हिलती है, कभी कोई चीज़ हिलती है, कभी नींद में बातें आजकल कर रहा है, बाह बाह पता नहीं क्या नींद में बोलता रहता है। और अभी मैं हैदर के साथ एक प्रैंक करने लगी हूँ। हैदर को लग रहा है मैं उसको लेके ऊपर छत पे जा रही हूँ। दैदू, दैदू हम कहाँ जा रही हैं? दैदू मुझे जल्दी से हक करे कि फटाफट दरवाजा खोलो छत का। दैदू किधर? ओए एक्साइटेड, क्या हुआ? आपकी शायद धोखा हो गया, हम नीचे आ गए वापस। पिक पिक। और दैदू को मैंने अभी झूले पे बिठा दिया। दैदू पिकबू, लेने गई थी केक जो केली ने ऑर्डर किया था। केक आप लोगों को दिखाऊंगी मैं जब सब कुछ रेडी हो जाएगा। और जिसका इंतज़ार था वो फाइनली आ गई है, मेरी बहन। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी नहीं, दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ी देर बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Heather. Heather. Happy birthday. Mama's birthday.
गाइस, मेरी बर्थडे और एनिवर्सरी मेरी गुजर गई है, लेकिन हम लोगों ने एक साथ सेलिब्रेट किया है. और ये रही मेरी बहन. हेलो. और हम लोग सैंडर्स गए हुए थे और मैंने पिक्चर्स डाली हैं, आप लोगों ने देख लिया होगा हमने क्या खाया. एक्चुअली हमें भूख बहुत लगी हुई थी इसलिए हमने व्लॉग नहीं शूट किया. और अभी हम घर वापस आ रहे हैं केक और उसके बाद हम ये देख सकते हो चाय पीते और उसके बाद हम आयशा को छोड़ने जाएंगे. और ये मेरा दैदू ड्राइविंग करते हुए और स्टेयरिंग खाते हुए. केक जो था वो सुबह से चास केक से हमने ऑर्डर किया था और अभी हम खाएंगे, खा के बताएंगे कैसा मज़े का केक है. केक जो था उसका फ्लेवर था बेल्जियम चॉकलेट और हमने थोड़ा सा टेस्ट किया था. इट वॉज़ वेरी यमी. हमारी चाय भी होगी और अभी हम बस घर के करीब हैं, घर उतरने वाले हैं. और अभी हम घर आ गए. हैदर को आती मैंने चेंज करवा दिया. मैंने सोचा खुद चेंज करने से पहले हैदर को चेंज करवा दूँ. और ये है मेरी जान, मेरी धड़कन, मेरा गुर्दा, मेरा जगर, मेरा टोटा, मेरा दिल का टुकड़ा, सब कुछ. ये मेरा प्यार है, माई फर्स्ट लव. गिफ्ट मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल दिखाऊंगी. आज के ब्लॉग में आपको गिफ्ट नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ. मैं चेंज करूँगी और अभी मुझे आयशा को भी ड्रॉप करने जाना. फिलहाल आयशा अपने दामाद के साथ लगी हुई है, अपने वन एंड ओनली दामाद के साथ. और आई होप आप लोगों को मेरा मेकअप पसंद आया हो. मेरा ड्रेस आप लोग वीडियो में देख लेंगे और मैं आप लोगों को फिर एक दफ़ा दिखा देती हूँ. तो मेरा ड्रेस ये है, ये फुल लॉन्ग में एंड इट्स वेरी प्रिटी. और फाइनली आई एम बैक टू नॉर्मल अपने पजामा शर्ट में. मेरा शीशा बहुत गंदा हो रहा है लिटरली. आयशा मेरे शीशे की हालत देख. अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरे कपड़ों में सुकून आ गया. और अभी हम केक खाएंगे और आयशा को छोड़ने जाएंगे. और यही मेरी बहन है जिसके बारे में आप लोगों को बता रही थी. आयशा आ जाना. अस्सलाम वालेकुम. ये मेरी बहन है, मेरी जान है, सिस्टर फ्रॉम अनदर मदर है. हेलो. और ये वो बंदी है जिसने मेरा साथ दिया डे वन से अब तक और इंशाल्लाह आगे तक रहेगा क्योंकि आगे हमने रिश्तेदारी करनी है. अभी मैं सबके लिए केक डाल रही हूँ, सबको केक सर्व कर रही हूँ. यस प्लीज. और तब तक आप चेंज कर लें जी. मैं आप लोगों को अपना केक दिखाती हूँ, मेरा केक लाइफ. मैं कैंडल्स जलाना भूल गई थी. ये रहा मेरा प्रिटी प्रिटी केक जो कि बहुत यमी है. ये फाउंडेंट है और अंदर से ये सारा बेल्जियम चॉकलेट है. और मेरे बेटे ने आज हमें बहुत तंग किया, बहुत एक्सट्रीम. मैं शुक्र है सैंडविच पे ही चुप था, वहाँ पे इसने पेट पूजा की आज. लेकिन बाकी जगहों पे बहुत, घर में तो इंतहा का जलील किया इसने. मेरी जान है, मेरी धड़कन है. और मेरा बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट अल्लाह ताला ने मुझे मेरा बेटा दिया. हम आयशा को छोड़ के आ रहे हैं चलो. और बाबा यहाँ पे विश्राम कर रहे हैं. और अभी हम उतर रहे हैं और आयशा को छोड़ने जा रही हूँ. पीछे से आपको हालत दिखाऊंगी. ये रही आयशा जो कि बिल्कुल नजर नहीं आ रही है क्योंकि बहुत बहुत अलग हालत में अभी. बकरा ईद की अपनी भैंस से चारे सब बेच के जा रही है. ये है मेरा दैदू बेटा. माओ 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 दैदू दैदू. अभी ओबे मेरे बाल नोच रहे. हम बस निकल रहे हैं, आयशा को छोड़ने जा रहे हैं. और छोड़ के आके हम सोएंगे क्योंकि हम बहुत टायर्ड हो गए और हैदर बहुत एक्साइटेड है. दैदू आयशा का अल्लाह को छोड़ने जा रही हूँ. और हम अभी गाड़ी में बैठेंगे. हेलो मेरा बेबी पकड़ लें प्लीज. इसकी सांस को दो. चलो हमारे बेटे को सिविक भी चाहिए, प्राडो भी चाहिए, हमारे बेटे को सब गाड़ियाँ चाहिए. और हमारा जहाज निकल पड़ा है डिफेंस की जानिब और 40-50 मिनट तक हम डिफेंस में लैंड करेंगे. जो मेरा बच्चा रो पड़ा. मेरा बेटा सो चुका है और आयशा के घर आ गया है. अल्लाह हाफिज़. और आयशा जा रही है, बस हम इंतज़ार कर रहे हैं अंदर एंटर हो जाए ताकि हम निकलें क्योंकि रात के बज रहे हैं 3 और डिफेंस काफ़ी रात को स्केरी हो जाता है. और ये अली अपना फेवरेट काम कर रहे हैं. अली आज खाना कैसा था? बच्चा ही सो रहा है.
और जब भी हम आयशा को छोड़ने आते हैं हम सीबीयू जरूर घूम के जाते हैं। रात के टाइम हमें कुछ नजर नहीं आता लेकिन बस हम देखने आ जाते हैं कि शायद कुछ नजर आ जाए। और ये रहा सीबीयू जिसमें आप लोगों को कुछ नजर नहीं आएगा क्योंकि हमें भी नहीं आ रहा नजर। दूसरा सीबीयू आते आजकल डर भी लगता है क्योंकि कुछ आवाम इस तरह की निकली है जो कि गाड़ियों के आगे गिर जाती है जानबूझ के और फिर उनसे पैसों की और चीज़ों की डिमांड करते हैं। और एक वीडियो भी मैंने देखी थी जो वायरल हुई थी कि उसकी गाड़ी के वो बेचारा वीडियो बना रहा था और उसकी गाड़ी के आगे आके बंदा गिर गया जानबूझ के। हाँ नहीं मैंने नहीं देखा। और आज हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए हैं और अभी हम घर जाएंगे और सोएंगे। मेरा बेटा सो चुका है और आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो। आई होप आप लोगों को मेरा केक पसंद आया हो। और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने गिफ्ट्स। मैं आपको दिखाऊंगी जो मुझे गिफ्ट्स मिले हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।